जिस तरीके से राजस्थान को कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ने अपराधों की राजधानी बना गया, उसमें एक लंबी फेरिस जुड़ती चली जाती है जिसमें कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री, उनके पुत्र, एक लंबी फेरिस है जिसमें गैंगरेप से लेकर बलात्कार, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही और कांग्रेस की निष्ठा और चरित्र पर सवाल खड़े करती है। लेकिन जायज बात के लिए अपनी बात को ठीक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से नारे के रूप में प्रकट करना या विरोध करना, ये कहीं अलोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन तानाशाही और दमनकारी सरकार ने इस तरीके के आंदोलनकारियों पर जिस तरीके से दमन चक्र चलाया, मुकदमे बनाने की कोशिश की, उनको डिटेन किया, ये सरकार की उल्टी गिनती होने का एक शुरुआत दिखती है। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार, जिसके बारे में कहा जाता था कि अंतर्कलह से गिरेगी, अंतर विरोध से गिरेगी, लेकिन अब लगता है कि जनता के आक्रोश से इस सरकार के दिन अब लगने लगे हैं। मुझे लगता है समय रहते ये सरकार चेत जाए। जिस तरीके से आज नागौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्टे सरकार ने उन पर दमन चक्र चलाया, उनके साथ अमानवीय बर्ताव की कोशिश हुई। मुझे लगता है ये सारे लक्षण हैं कांग्रेस पार्टी के अंतिम क्षणों की, अंतिम विदाई की।